Hi everyone, welcome back to channel Rasayan Duniya. So in this video we are going to discuss about the 1H NMR spectrum of ethanol. तो देखिए इथेनॉल की यदि 1H NMR स्पेक्ट्रम की मैं बात करूं तो अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड्स का स्टडी किया है उससे थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। अब डिफरेंट कैसे होगा तो देखिए इथेनॉल का जो 1H NMR स्पेक्ट्रम है मैंने यहाँ पे दो स्पेक्ट्रम बनाए हुए हैं। दो स्पेक्ट्रम क्यों बनाए हुए हैं क्योंकि जो इथेनॉल का 1H NMR स्पेक्ट्रम है वो दो अलग अलग कंडीशन में हम यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो देखिए जो फर्स्ट स्पेक्ट्रम हम जो बनाएंगे वो बनाएंगे एक्वस इथेनॉल का, ठीक है। वो हम किसका बनाएंगे, एक्वस इथेनॉल का बनाएंगे। एक्वस इथेनॉल देखिए जब भी हम रिएक्शंस वगैरह करते हैं तो या तो आपको प्योर इथेनॉल लिखा हुआ मिलेगा, दूसरा क्या लिखा हुआ मिलेगा, एक्वस इथेनॉल लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। दूसरा हम किसका बनाएंगे, प्योर इथेनॉल का बनाएंगे, प्योर इथेनॉल, या फिर हम इसे क्या ले सकते हैं, इन डीएमएसओ, इन डीएमएसओ यानी कि सॉल्वेंट है वो। यहाँ पे हमने वाटर यूज नहीं किया है, हमने कौन सा सॉल्वेंट यूज कर लिया, डायमिथाइल सल्फोक्साइड हमने यहाँ पे यूज कर लिया, डीएमएसओ है वो हमने एज अ सॉल्वेंट यहाँ पे यूज किया होता है। ये क्या होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट होता है। जैसे एक्वस इथेनॉल में वॉटर है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। यहाँ पे सॉल्वेंट है वो कौन है, वॉटर है, ठीक है। यहाँ पे सॉल्वेंट कौन है, वॉटर है, लेकिन यहाँ पे सॉल्वेंट कौन होता है, डीएमएसओ होता है। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ से जो एनएमआर स्पेक्ट्रम है वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। कैसे डिफरेंट आएगा चलिए एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होता है, फॉर्मूला देखिए एंड देन हमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन सब वो फाइंड आउट करना होता है। टाइप ऑफ हाइड्रोजन सब वो क्या होते हैं, तो देखिए जब हम बात कर रहे हैं यहाँ से एक्वस इथेनॉल की, तो इथेनॉल का जो सॉल्यूशन हमारे पास में है उसमें इथेनॉल प्लस में क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स भी है, ठीक है। इथेनॉल प्लस में क्या है, H2O मॉलिक्यूल्स भी हैं। चीज समझ आ रही है, इथेनॉल के साथ में कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो किसके होंगे, H2O के भी होने वाले हैं। तो अब यहाँ से क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे तीन टाइप के हाइड्रोजन होंगे। ये वाले कौन से, मिथाइल प्रोटॉन्स है, ये वाले मिथिलीन प्रोटॉन्स है और ये वाला हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन है। तो इतनी चीज क्लियर हो रही है कि यहाँ पे तीन टाइप के प्रोटॉन्स है वो प्रेजेंट है। कौन कौन से, इसे हमने प्रोटॉन ए मार्क कर दिया, इसे हमने प्रोटॉन बी मार्क कर दिया और इसे हमने प्रोटॉन सी मार्क कर दिया। अब यदि हम चलें सबसे पहला, यदि हम बात करें कि इन वाले प्रोटॉन्स के लिए यानी कि ये जो ए प्रोटॉन है इनके लिए सिग्नल है वो कैसा ऑब्टेन होगा, तो स्प्लिटिंग यहाँ पे होने वाली क्यों, क्योंकि एडसेंट कार्बन पे क्या है, प्रोटॉन प्रेजेंट है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो कितना है, टू है। तो स्प्लिटिंग कैसे होगी, एन प्लस वन के मैनर में होगी, एन प्लस वन के मैनर में स्प्लिटिंग यहाँ से होने वाली है। तो यदि मैं बात करूं इस वाले इन वाले तीन प्रोटॉन्स के लिए तो सिग्नल है वो कैसा आएगा, इन तीन प्रोटॉन्स के लिए यहाँ पे जो N है वो कितना है, टू है, ठीक है। देखिए ये वाला जो कार्बन है इसकी स्प्लिटिंग है वो सिर्फ इससे होगी ना कि इस वाले हाइड्रोजन से, इस वाले हाइड्रोजन का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा यहाँ पे। तो सिर्फ यहाँ से इसके नेबरिंग प्रोटॉन है वो कितने हैं, टू हैं। तो टू प्लस वन कितना होगा, थ्री होगा, यानी कि ये किसमें स्प्लिट होगा, ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा। किसमें स्प्लिट होगा, ये ट्रिपलेट में स्प्लिट होगा। अब उसके बाद ट्रिपलेट का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, वन इज टू टू इज टू वन होता है, ठीक है, वन इज टू टू इज टू वन होता है। अब यहां से यदि हम बात करें नेक्स्ट यानी कि बी वाले की, तो बी के लिए देखिए अभी तक हमने जितने भी केसेस पढ़े हैं उनमें क्या था, सिर्फ एक साइड पे एब्सेंट प्रोटॉन था, दूसरी साइड पे नहीं था। यहाँ पे दोनों साइड पे है, इधर भी प्रोटॉन है और इधर भी प्रोटॉन है। तो इस वाले केस में क्या हम दोनों साइड का कंसीडर करेंगे या फिर एक साइड का छोड़ देंगे, तो ये जो है यही एक मेन डिफरेंस होता है जिसकी वजह से दो स्पेक्ट्रम हमें बनाने पड़ रहे हैं। तो देखिए यहां से सबसे पहले हम कार्बन के जो एब्सेंट प्रोटॉन है उन्हें काउंट कर लेते हैं। तो इधर से तीन प्रोटॉन है, ठीक है, यहां से एक प्रोटॉन है, तो टोटल कितने होने चाहिए, चार होने चाहिए। और चार प्रोटॉन्स हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, क्वार्टेट आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और रीजन क्या होता है, क्योंकि हमने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना, क्योंकि हमने क्या लिया हुआ है, इथेनॉल है वो एक्वस सॉल्यूशन में लिया हुआ है, और जब इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन में होता है तो मींस हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां से होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो यहां से क्या होगा, या फिर हम क्या बोल, सॉरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होता, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। यहाँ से क्या होता है, देखिए कि ये वाला जो H पॉजिटिव है, ये वाला जो H पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इथेनॉल का जो ऑक्सीजन होता है इसके साथ में जाएगा और यहाँ से OH पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ से OH2 पॉजिटिव। तो एक जो हाइड्रोजन है वो कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे कभी यहाँ पे हाइड्रोजन है वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है, हाइड्रोजन है वो क्या नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता। कभी क्या करेगा, यहाँ से ये एथोक्साइड आयन बन रहा है, यहाँ पे H3O पॉजिटिव बन रहा है, कभी यहाँ पे OH2 पॉजिटिव आ रहा है। तो चीज समझ आ रही है कि यानी कि हाइड्रोजन है वो फिक्स नहीं रहता है, ठीक है, हाइड्रोजन है वो क्या नहीं रहता, फिक्स नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल यहां से ये निकला तो ये क्या बनेगा, CH3CH2,
और निगेटिव बना प्लस में H3O पॉजिटिव बना, तो ऐसी कुछ रिएक्शन है वो हो रही होती है। तो ऐसा कुछ होता है कि ये हम बोल सकते हैं कि ये फिक्स नहीं रहता कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा, कभी यहाँ पे आ जाता है हाइड्रोजन, कभी यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है। तो इस वजह से ये जो प्रोटॉन्स हैं ये इसके साथ में कपल नहीं कर पाते हैं, और जब तक कपलिंग नहीं होगी तो स्प्लिटिंग का कोई चांस ही नहीं होता। ठीक है, तो रीजन क्या होता है कि इस हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स्ड ना होने की वजह से कपलिंग नहीं हो पाती प्रोटॉन्स की, और जब प्रोटॉन्स की कपलिंग नहीं हो पाती है तो स्प्लिटिंग है वो भी नहीं होती है। तो यहां से अब जो सिग्नल आएगा वो किस फॉर्म में आएगा कि ये वाला जो है इसे हम एज ए एडसेंट प्रोटोन, एज ए नेबर प्रोटोन हम कंसिडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन तीन प्रोटोन्स को कंसिडर करेंगे। और जब हम इन तीन प्रोटोन्स को कंसिडर करेंगे तो n प्लस वन, थ्री प्लस वन कितना आएगा, फोर आएगा, और यहां से इन सी एस टू प्रोटोन्स के लिए एक क्वार्टेट है वो ओपन होगा। ठीक है, फोर है सॉरी थ्री फोर, तो यहां से क्या आएगा, क्वार्टेट आएगा। ठीक है, क्या आएगा, क्वार्टेट आएगा। और जैसे ही क्वार्टेट आता है, अब देखिए हम तीसरे की तरफ मूव करते हैं, तीसरे की तरफ यदि हम मूव करें, क्वार्टेट का क्या होता है, एरिया रेशियो 1:3:3:1 होता है। अब यहां से यदि हम इस वाले हाइड्रोक्सिल की बात करें तो इस वाले हाइड्रोक्सिल के अगेन नेबरिंग प्रोटॉन्स कितने हैं, टू प्रोटॉन्स है, तो आना क्या चाहिए, ट्रिपलेट आना चाहिए, लेकिन वो आना चाहिए एक्चुअल में आता नहीं है। तो फिर आता क्या है, तो देखिए जब ये प्रोटॉन इसके साथ में कपलिंग नहीं कर पा रहा है जिसकी वजह से इन वाले दो प्रोटॉन्स की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, तो क्या ये प्रोटॉन इसकी कपलिंग नहीं होगी ना, अब इसके साथ में इन प्रोटॉन्स की भी कपलिंग नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसकी तो पोजीशन ही फिक्स नहीं है ना, तो इसके साथ में इन प्रोटॉन्स की भी कपलिंग नहीं होगी, और कपलिंग नहीं होगी तो स्प्लिटिंग नहीं होगी, और इसीलिए इस प्रोटॉन के लिए एक सिंगलेट ही ऑब्टेन होता है। क्या आता है, एक सिंगलेट ही ऑब्टेन होता है। तो यदि हम इसका स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें, अब ये जो पोजीशन है इन सिग्नल्स की वो क्या होगी डेल्टा पीपीएम पे, तो डेल्टा पीपीएम पे यदि हम बात करें इस वाले के लिए तो ये होता है ऑलमोस्ट 2.1 पीपीएम पे। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.1 पीपीएम पे होता है। ये वाला जो CH2 है ये, अब देखिए यहां से ये क्या लगा हुआ है, माइनस माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है ना हाइड्रोक्सिल, क्या करेगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो इसका जो आता है पीक वो आता है ऑलमोस्ट 4.5 पीपीएम पे। ठीक है, मैं ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बता रही, थोड़ा बहुत वैल्यूज है वो वेरी कर सकते हैं, इधर उधर हो सकते हैं। अब यदि हाइड्रोक्सिल की बात करें तो ये कितने पे आता है, 5 पीपीएम पे आता है। ठीक है, हाइड्रोक्सिल है वो कितने पे आएगा, 5 पीपीएम पे आएगा। तो हमें तीन सिग्नल्स हैं स्पेक्ट्रम में वो ऑब्टेन होते हैं, और तीन सिग्नल्स हैं उनकी पोजीशन कुछ ऐसे होती है। अब देखिए यहां से हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं। अब मैंने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है, यदि आपको स्पेक्ट्रम ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होती है तो आपको क्या करना होता है, जस्ट आपको पहले आप सिग्नल्स बना लीजिए, उसके बाद यहाँ पे ये नंबरिंग है ये कर दिया करो। ठीक है, मैं आपको करके बताती हूँ आपको कैसे करना है, अदरवाइज तो आपका स्पेक्ट्रम वो कहीं का कहीं ही जाता है। और मैंने ऐसा क्यों बोला उसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें 2.1 पे एक ट्रिपलेट बनाना है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.1 पे हमें एक ट्रिपलेट बनाना है। ओके, बन गया हमारा ट्रिपलेट। अब हमें 4.5 पे क्या बनाना है, एक क्वार्टेट बनाना है। चलिए 4.5 पे एक क्वार्टेट बना देते हैं, ये हमने एक क्वार्टेट बना दिया। ठीक है, ये हमने एक क्वार्टेट बना दिया है। ठीक है, इसके बाद हमें ऑलमोस्ट 5 पे क्या बनाना है, एक सिंगलेट बनाना है। तो ये हो जाता है आपका स्पेक्ट्रम। अब ये वाला जो है ये किसके लिए है, ए प्रोटॉन्स के लिए, जो कि आपके CH3 प्रोटॉन्स थे। ये किसके लिए है, CH2 प्रोटॉन्स के लिए है। और ये किसके लिए है, OH प्रोटॉन के लिए है, यानी कि ये बी प्रोटॉन्स के लिए है और ये सी प्रोटॉन्स के लिए है। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्वस इथेनॉल का 1H NMR स्पेक्ट्रम। अब मैंने क्यों बोला था कि पहले आप नंबरिंग कर लिया, सॉरी पहले आप स्पेक्ट्रम बना लो उसके बाद नंबरिंग कर लो। ठीक है, देखिए होता क्या, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्योंकि मैं ऑफलाइन में भी रह चुकी हूँ तो मैंने टेस्ट वगैरह में भी कॉपी चेक की है, एंड नोट्स भी मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के देखे होते हैं, जिससे मुझे कई बार खुद को भी डाउट हो जाता है कि मैंने तो गलत नहीं पढ़ा दिया। उनका जो स्पेक्ट्रम है वो 10 तक पहुंच जाता है, ऐसे ये क्वार्टेट है वो इतने से में नहीं रहता, उनका 3-4 के बीच में ये क्वार्टेट बनता है। ठीक है, तो पहले आप जस्ट सिग्नल बना लीजिए और उसके बाद आपको पता तो है ना कितने पे बना सिग्नल, उसके बाद आप नंबरिंग कर दीजिए, तो वो इजी रहेगा, आपका सिग्नल है वो एग्जैक्ट बनेगा, आपका NMR स्पेक्ट्रम है वो सही बनेगा। अदरवाइज आप पहले से नंबरिंग करेंगे फिर आपके ये जो सिग्नल्स हैं ये थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं,
ठीक है, दैट्स नॉट अ इश्यू. आपको जस्ट एग्जैक्ट वैल्यूज पता होनी चाहिए कि ये कितने पे आ रहा है. उसके बाद आपका थोड़ा जैसा भी है ड्रॉइंग में चलता है, इतना बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं चाहिए होता, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो चलता है. ठीक है, देन आपको क्या करना होता है, ये नंबरिंग कर देनी होती है. तो देखिए अगेन एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये वाला जो हाइड्रोजन, इसकी पोजीशन फिक्स ना होने की वजह से ये इन वाले प्रोटॉन्स के साथ में कपलिंग नहीं कर पाता, इसीलिए इसका सिंगलेट ऑप्टेन होता है जो कि ट्रिपलेट होना चाहिए था. इन वाले प्रोटॉन्स का क्वार्टेट ऑप्टेन होता है जो कि क्विंटेट ऑप्टेन होना चाहिए था. क्यों? क्योंकि इसके साथ में कपलिंग नहीं कर पाता है. तो ये था जब हम लेते हैं सॉल्वेंट H2O या फिर जब हम लेते हैं हाई टेम्परेचर पे. ठीक है, या फिर हम क्या करते हैं, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है आपसे यदि पूछा जाता है. देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. आपसे पूछा जा सकता है गिव द 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ कमर्शियल इथेनॉल. ठीक है, कमर्शियल इथेनॉल की यदि हम बात करें तो आपको यही वाला स्पेक्ट्रम बनाना होता है. सेकंड यदि हम बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है गिव द 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ एक्वस इथेनॉल, जो कि मैंने अभी बनाया है. तीसरा यहां से क्या पूछा सकता है, क्या पूछा जा सकता है, गिव द 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ 1H NMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल एट हाई टेम्परेचर. तो तीनों ही कंडीशन में आपको ये वाला स्पेक्ट्रम है वो बनाना होता है. अब जो सेकंड है वो हम बात करते हैं यहाँ से प्योर इथेनॉल या फिर इन DMSO हम सॉल्वेंट या फिर लो टेम्परेचर पे. तो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में हम जो इथेनॉल का NMR स्पेक्ट्रम है वो कैसे ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहली चीज अगेन हमें क्या चाहिए, इथेनॉल चाहिए CH3CH2OH. ठीक है, इस बार हमारा सॉल्वेंट है वो क्या है, DMSO है, या फिर हमारा जो सॉल्वेंट है या फिर हमारा जो इथेनॉल है वो क्या है, प्योर इथेनॉल है. तो प्योर इथेनॉल के केस में हमारे पास में अगेन सबसे पहले हमें नंबर और टाइप ऑफ हाइड्रोजन है वो फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले ए टाइप के प्रोटॉन्स ये हो गए तीन, दूसरे प्रोटॉन्स बी टाइप के और ये सी टाइप के प्रोटॉन. तो तीन टाइप के प्रोटॉन्स है वो होते हैं, कौन कौन से, मिथाइल प्रोटॉन, मिथिलीन प्रोटॉन और हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन. ये सारी चीजें आपको थ्योरी में मेंशन करनी होती है. ठीक है, थ्योरी में आपको लिखना होता है कि तीन टाइप के प्रोटॉन्स हैं और फिर जिसे हमने ABC मार्क किया है, उसके बाद हमने मतलब कौन से के लिए कितने पे सिग्नल आ रहा है, ये सारी चीजें आपको थ्योरेटिकली मार्क करनी होती हैं. अब हमें नेक्स्ट पॉइंट है वो किस पे मूव करना है. सबसे पहले हमने टाइप ऑफ प्रोटॉन्स है वो फाइंड आउट कर लिया है. टाइप ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड आउट करने के बाद सबसे पहले यदि हम इस वाले की बात करें तो एडसेंट प्रोटॉन्स कितने हैं, टू है, तो 2+1 कितना होगा, ट्रिपलेट आएगा. इसके लिए तो वही ट्रिपलेट आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिपलेट आएगा. लेकिन इस वाले के, इस वाला जो ये वाला जो CH2 वाला और हाइड्रोक्सिल वाले जो दो सिग्नल्स हैं ये चेंज हो जाते हैं. कैसे चेंज होते हैं, देखिए प्योर इथेनॉल है तो हाइड्रोजन यहीं पे बैठा है. ठीक है, हाइड्रोजन कहीं पे नहीं जा रहा, हाइड्रोजन यहीं पे बैठा है. अब हाइड्रोजन यदि यहीं पे बैठा है, इनकेस हाइड्रोजन यहीं पे बैठा है तो इसके साथ में कपलिंग करेगा. ठीक है, इन वाले प्रोटॉन्स के साथ में कपलिंग करेगा, इन वाले प्रोटॉन्स के साथ में कपलिंग करेगा. तो अब इसके यदि एडसेंट प्रोटॉन्स की हम बात करें, पड़ोसी प्रोटॉन्स की, नेबरिंग प्रोटॉन्स की यदि हम बात करें तो कितने हुए, 3 ये हुए, 1 ये हुआ, 4, 4+1 कितना होता है, 5, एंड 5 के लिए क्या ओपन होता है, क्विंटेट ओपन होता है. ठीक है, 5 के लिए क्या ओपन होता है, क्विंटेट ओपन होता है. एंड क्विंटेट का जो एरिया रेशियो वो कितना होता है, 1:4:6:4:1 होता है. ठीक है, ये सारी चीजें मैंने पहले से एक्सप्लेन की हुई है. अब देखिए यहां से हम आते हैं इस वाले OH पे. इस वाले OH के लिए पहले क्या ऑप्टेन हुआ था, सिंगलेट ऑप्टेन हुआ था. क्यों? क्योंकि तब इसकी कपलिंग नहीं हो रही थी. अब जब ये दूसरे के साथ में कपल करके इसके सिग्नल को स्प्लिट कर रहा है तो दूसरा भी इसके साथ में कपल करके इसके सिग्नल को भी स्प्लिट करेगा. तो उस वाले केस में क्या होगा, इसके एडसेंट प्रोटॉन्स कितने होंगे, 2 होंगे, 2+1 कितना, 3 होगा. एंड इस वाले प्रोटॉन के लिए ट्रिपलेट ऑप्टेन होगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन में, जो कि एक्वस इथेनॉल के लिए सिंगलेट ऑप्टेन हुआ था. दिस इज द मेजर डिफरेंस ऑफ एक्वस इथेनॉल एंड प्योर इथेनॉल. ठीक है, तो अब यहां से पोजीशंस है वो क्या होंगी, देखिए पोजीशंस है उनपे कोई खास इंपैक्ट होता नहीं है, वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं, बट जो ट्रिपलेट और क्विंटेट है ये थोड़ा चेंज हो जाते हैं. ठीक है, जो यहाँ पे क्वार्टेट और सिंगलेट थे वो यहाँ पे क्विंटेट और ट्रिपलेट हो जाते हैं, बाकी पोजीशंस वो ऑलमोस्ट सेम रहती हैं. अब यदि हम बनाएं तो हमने 2.1 पे ट्रिपलेट बनाया था, तो ये तो हमारा, ये तो हमारा जो 2.1 का ट्रिपलेट है ये ऐसे का ऐसे ही रहता है. ठीक है, 2.1 का ट्रिपलेट हमारा ऐसे का ऐसा रहता है. देन हमारा 4.5 पे जो पहले हमने क्वार्टेट बनाया था, इस बार हमें क्या बनाना है, क्विंटेट बनाना है. ठीक है, ये हमारा क्विंटेट बन गया. उसके बाद 5 पे हमें इस बार क्या बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है. ठीक है, 5 पे हमें क्या बनाना है, ट्रिपलेट बनाना है. तो ये किसके लिए हुआ, ए प्रोटॉन्स के लिए, ये किसके लिए हुआ, बी प्रोटॉन्स के लिए, और ये किसके लिए हुआ, सी प्रोटॉन्स के लिए.
ठीक है, ये कौन से के लिए है, सी एस थ्री प्रोटॉन्स के लिए है, ये सी एस टू प्रोटॉन्स के लिए है, और ये हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन के लिए है। तो ये आपका आता है 1HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ प्योर इथेनॉल, 1HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल इन डीएमएसओ सॉल्वेंट, 1HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल एट लो टेम्परेचर। तो सभी कंडीशंस में मैंने दोनों कंडीशन में दोनों टाइप से 1HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल एक्सप्लेन कर दिया है, और एग्जाम में डिफरेंट डिफरेंट पूछा जाता है। यदि मेंशन नहीं किया होता है तो उस वाले केस में, यदि आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, जस्ट पूछा गया है कि गिव द 1HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल, तो आपको दोनों बना देने चाहिए, एज आई थिंक दोनों बना देने चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर कभी सोचेगा कि मैंने तो प्योर इथेनॉल का पूछा था, कोई सोचेगा मैंने तो एक्वस इथेनॉल का पूछा था। यदि मेंशनड होता है कि एक्वस इथेनॉल का देना है या फिर इथेनॉल इन डीएमएसओ देना है, तो फिर मैंने आपको दोनों अलग अलग कराए हुए हैं, आपको जो समझ आता है, जो जिसके लिए आंसर होता है वही आपको बनाना है। डिफरेंस सिर्फ यहां से कपलिंग का डिफरेंस आता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका 1HNMR स्पेक्ट्रम ऑफ इथेनॉल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ से यदि नहीं समझ आ रहा, वीडियो को दो तीन बार देखे, अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट में जो रिमेनिंग कंपाउंड्स हैं उनके 1HNMR स्पेक्ट्रम है वो अपलोड करती हूँ। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।